हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके में एक नई डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर बिलासपुर। आज के लेक्चर को मिला के जो हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने कांगड़ा, शिमला और चंबा के डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, ये चारों डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। इसके साथ इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो कल्चरल एस्पेक्ट है, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा हिस्ट्री, हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। और बहुत ज़्यादा सवाल आजकल हमें कल्चर से भी देखने को मिले हैं। इसके बाद के जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे, वहाँ पर हम 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स को इकट्ठा करके पढ़ेंगे। इसके अलावा 3 और लेक्चर्स हैं हमारी हिस्ट्री के। तो चलिए, इससे पहले आज बिलासपुर की हिस्ट्री को समझें, सबसे पहले जो पिछले 2 लेक्चर्स थे उनमें जो हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर की थी, दैट इज योर चंबा एंड शिमला, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम एनाडले। 2019 में ये सवाल पूछा गया था। 2019 में एक और सवाल भी पूछा गया था कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक के लिए कौन सा जो है, या किस स्पेसिफिक बिल्डिंग से वो डिसीजन लिया गया था 1938 में, और 4 साल के बाद उस डिसीजन को रिग्रेट किया गया था, लेकिन बाद में ऑप्शंस में कंफ्यूजन के कारण एचपीपीएससी ने उस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया था। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये 2019 का वो क्वेश्चन है जो वैलिड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। दैट इज योर विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम एनाडले। तो आप सब लोगों को पता है एनाडले की हिस्टोरिकल रिलेवेंस क्या है। इस स्पेसिफिक ग्राउंड पे सबसे पहले फन फेयर हुआ था, जहां पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए, ताकि सुबाथू में गर्ल्स स्कूल खोला जाए, उसके लिए फंड रेजिंग कैंपेन चलाया गया था। इसी स्पेसिफिक टूर्नामेंट के ऊपर मोर टाइमर दुरंद के द्वारा 1888 में एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक है, और इस टूर्नामेंट का नाम है तुम्हारा दुरंद कप। आंसर इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा। तो आप सब लोगों को पता है इसका आंसर है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे एक नया टाउन एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम रखा गया था चंबा, और भरमौर जो कि पहले चंबा की कैपिटल हुआ करती थी, वहां से चंबा टाउन में कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। अब सब लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो मुगल एम्परर औरंगजेब जब रूल कर रहा था, उस स्पेसिफिक टाइम पे बुशहर में कौन सा राजा था। आप सब लोगों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था, जिस राजा को अजान बाहु के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप लोगों को पता होगा अजान बाहु किसको कहते हैं, जिसकी दोनों बाहें जो हैं वो घुटनों को टच कर दे जब वो खड़ा हो, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो। बैठ के तो ऑलमोस्ट सभी टच कर लेते हैं, लेकिन जब खड़े होते हुए अगर किसी की बाहें जो हैं वो घुटनों तक पहुँचे, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही बड़ा योद्धा है, तो उसको अजान बाहु भी कहा जाता था। औरंगजेब के साथ उसके बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, और उसका नाम था कहरी सिंह। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म। 2016 में सवाल को पूछा गया था, और ये बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर है सी, दैट इज योर ज्यूरी। जो आपको हैंडआउट्स दिए गए थे उनमें इसके बारे में मेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स वर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। जब हम लोगों ने शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किया था, शिमला प्रिंसली स्टेट्स में एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि वो प्रिंसली स्टेट और उसके साथ बाकी इंपॉर्टेंट 3-4 प्रिंसली स्टेट्स का कॉमन ओरिजिन है। तो 4 ऑप्शन आपके साथ है, जल्दी से आंसर बताइए, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करने वाला सवाल है ये। इसका आंसर आपका है सी, दैट इज मंडी, सुकेत एंड क्योंथल। रियलिटी में जब हम लोगों ने क्योंथल के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्योंथल के साथ और ऐसे किंगडम भी थे जिनका कॉमन ओरिजिन है, जो एक ही सेम डायनेस्टी से जिनकी शुरुआत हुई थी। मंडी की बात की जाए, सुकेत की बात की जाए, क्योंथल की बात की जाए, या किश्तवाड़ की बात की जाए जो कि कश्मीर के अंदर है, किश्तवाड़ की बात की जाए, ये चारों रियासतों का ओरिजिन एक ही जगह से है, और इनका ओरिजिन है सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल, जो बंगाल से डायनेस्टी आई थी सेन। सबसे पहले सुकेत और क्योंथल की अगर हम बात करें, सुकेत के जो फाउंडर थे जिनका नाम था वीर सेन, और जो क्योंथल के फाउंडर थे जिनका नाम था गिर सेन, ये दोनों जो थे वो भाई थे, रियल ब्रदर थे। सुकेत से ही बाद में आप लोगों को मंडी बनता हुआ दिखेगा। क्लियर? तो ये चारों जो हैं इनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ऑप्शन में 3 पूछा गया है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी दी ओल्डेस्ट अमंग दी शिमला हिल स्टेट्स। 2013 में ये सवाल पूछा गया था। अगेन आप लोगों को पता है वेस्टर्न हिमालयाज में सबसे पुरानी है तुम्हारी कश्मीर, और कश्मीर के बाद अगर किसी रियासत को सबसे पुरानी माना जाता है, ये सिर्फ हिमाचल की ही बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन तो शिमला हिल स्टेट्स के बारे में स्पेसिफिक है। अगर नॉर्मली भी तुमसे हिली स्टेट्स के बारे में पूछा जाए तो सबसे पुरानी आफ्टर कश्मीर कोई अगर रियासत है उसका नाम है बुशहर, जिसके फाउंडर थे प्रद्युमन। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है, विच ट्रीटी सिग्नल द डिपार्चर ऑफ द गुरखास एंड द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ऑन द पॉलिटिकल कैनवस ऑफ शिमला हिल स्टेट्स। 2011 में सवाल पूछा गया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रिटिश के द्वारा गुरखास को हराया जाता है, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि गुरखास शिमला हिली स्टेट्स या जो हिली एरियाज है हिमाचल के उनको छोड़ के वापस जाएंगे, और वो एरियाज जो हैं वो ब्रिटिश के पास आएंगे। ब्रिटिश कुछ एरियाज नेटिव रूलर्स को रीइंस्टेट कर देता है और कुछ एरियाज को अपने पास रखता है। वो जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ संगोली, आंसर इज ए। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पिछले दो लेक्चर्स में की गई डिस्ट्रिक्ट्स में से पूछे गए थे। कुछ और सवाल भी हैं लेकिन जो थोड़े से रिविजनल पर्पज़ के लिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से सवाल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर पूछे जाते हैं, तो यही कारण है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में। अब शायद आप लोगों को पता होगा कि जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आज जिस नाम से आप लोग इसको जानते हो, इसका इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा नाम नहीं हुआ करता था। इनिशियल स्टेजेस पे बिलासपुर का नाम हुआ करता था कहलूर। बिलासपुर नाम इसका बहुत बाद में पड़ा है। उसी हिस्ट्री के ऊपर हम जाएंगे कि कब किस राजा ने किस किंग के अंडर कहलूर का नाम जो है वो बिलासपुर पड़ा, जिसको हम आज इस नाम से जानते हैं। बिलासपुर को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिलासपुर, अब मैं कहलूर शब्द यूज करूंगा, जब बिलासपुर आ जाएगा तब हम बिलासपुर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जो कहलूर है उसके जो फाउंडर थे वो अपना ओरिजिन क्लेम करते हैं शिशुपाल से। आई होप आप सब लोगों ने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में जो शिशुपाल है जिसको श्री कृष्णा मार देते हैं, शिशुपाल के वंशज जो हैं वो ही हिमाचल में आके, हिली एरियाज में आके एक नई रियासत की फाउंडेशन करते हैं, जिस रियासत का नाम था कहलूर। ऐसा माना जाता था कि ये जो शिशुपाल के वंशज थे ये रहा करते थे मध्य प्रदेश में एक जगह बुंदेलखंड में, जगह का नाम है चंदेरी। तो क्योंकि ये लोग चंदेरी से आए थे, यही कारण है कि इनके नाम के साथ आप लोगों को चंद या चंदेल देखने को मिलेगा। क्लियर। तो देखो बीर चंद है, कहल चंद है, महान चंद है, आनंद चंद है, और आज भी अगर आप बिलासपुर की बात करोगे तो वहां पे आपको चंद या चंदेल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका सिंपल सा कारण यह है कि ये अपनी हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं फ्रॉम चंदेरी रीजन, चंदेरी एरिया ऑफ बुंदेलखंड इन मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए अब एक और कहानी थोड़ी सी लिंक करते हैं, फिर चलते हैं जो फाउंडर हैं हमारे कहलूर के वहाँ से और बिलासपुर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि चंदेरी में या चंदेरी के एक राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम था हरिहर। हरिहर के 5 बेटे हुआ करते थे। क्लियर। हरिहर अपने सबसे बड़े बेटे को चंदेरी का साम्राज्य सौंप के हिली एरियाज की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। शायद इसका जो ओरिएंटेशन था वो ये होगा कि वो यहाँ पे आके जो है वो कहीं ना कहीं शांति प्राप्त करना चाहता है या कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना चाहता था। हरिहरा सबसे पहले पहुँचता है झेंदबारी में। जो झेंदबारी वाला एरिया है वो इस स्पेसिफिक टाइम पे होशियारपुर का एरिया है। क्लियर। अब झेंदबारी वाला एरिया उस स्पेसिफिक टाइम पे हुआ करता था कांगड़ा रियासत के अंडर। कांगड़ा में या उस स्पेसिफिक टाइम पे जो राजा हुआ करते थे उनमें एक बहुत ही फेमस सपोर्ट हुआ करता था, एक बहुत ही फेमस आपका क्रीड़ा हुआ करती थी। उस क्रीड़ा या उस स्पोर्ट्स का नाम था टेंट पेगिंग। उस गेम का नाम था टेंट पेगिंग। आई होप आप लोगों ने टेंट पेगिंग के बारे में सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है वो ऐसा समझिए कि टेंट पेगिंग जो है वो मोर और लेस पोलो की तरह है, पोलो गेम की तरह है। टेंट पैकिंग में क्या होता है कि जो राइडर है वो घोड़े के ऊपर बैठेगा और पीछे से बहुत स्पीड से आएगा और उसको जमीन के ऊपर से एक जो कपड़े का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा जो है वो नुकीली
नुकीले औजार को यूज करके बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर उठाना होता था। तो जो पीछे से तेजी से आके सबसे पहले उस कपड़े को उठा लेता था, नुकीली किसी औजार से, नुकीले किसी हथियार से, नुकीले किसी डंडे से, उसको विनर माना जाता था। लेकिन वहां पे घोड़े की स्पीड इतनी ज्यादा होती थी कि बहुत बार देखने को मिला था कि काफी लोग टेंट पैकिंग करते करते उनका देहांत हो जाता था, उनकी डेथ हो जाती थी। तो जब कांगड़े के राजा को यह पता लगता है कि चंदेरी का राजा जो है वो अपने बच्चों के साथ हिमालय एरियाज में, हिली एरियाज में आया है, तो वो अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए उनको टेंट पैगिंग कंपटीशन के लिए बुलाता है। अब वो क्योंकि राजा थे तो यही कारण था, वो टेंट पैगिंग कंपटीशन में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हरिहरा और उसके जो चार बेटे थे, क्योंकि पांचवा बेटा तो रूल कर रहा था चंदेरी में, जो चार बेटे थे वो सारे के सारे जो है वो टेंट पैगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। जो कांगड़ा का राजा है वो टेंट पैगिंग कंपटीशन में पहले हारना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है, जिसके कारण वो धोखे से जो हरिहरा का सबसे बड़ा बेटा था, अब हरिहरा के पाँच नहीं चार बेटे यहाँ पे आए हैं, पाँचवा तो वहाँ पे हैं, जो इन चारों में सबसे बड़ा बेटा था उसको राजा ऑफ कांगड़ा धोखे से मरवा देता है। जब कांगड़ा का राजा उसको धोखे से मरवा देता है तो हरिहरा अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने की ठान लेता है और वो कांगड़ा के राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है। अपने जो आसपास के तीन बेटे या उसके जो तीन बेटे या उसके जो बाकी सहायक गण थे या जो यहाँ के लोकल राणास थे उनके साथ मिलके, जो कि कांगड़ा के राजा से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी दौरान हरिहरा की भी कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो जाती है और उसका जो बेटा, जो सबसे बड़ा जीवित बेटा था जिसका नाम था बीरचंद, अब बीरचंद जो है वो कांगड़ा के राजा के अगेंस्ट जो उसका अटैक है उसको शुरू रखता है। इसी तर्ज के ऊपर या इसी दौरान बीरचंद जो है वो काफ़ी टेरिटरी सतलुज के आसपास के एरियाज की काफ़ी टेरिटरीज जो है वो एक्वायर कर लेता है। और जब बीरचंद वहाँ पे टेरिटरी एक्वायर कर लेता है तब वो डिसाइड करता है अपने एम्पायर को यहीं पे ही इसी स्पेसिफिक एरिया में फाउंड करने की। और जब वो अपना एम्पायर, अपनी स्टेट यहाँ पे फॉर्म करता है, फाउंड करता है, तो उस स्टेट का नाम होता है कहलूर। तो कहलूर जो है उसके फाउंडर का नाम तुम्हारा क्या है, बीरचंद। तो हरिहरा भी हो सकता था लेकिन हरिहर की मृत्यु हो गई थी, उसके बेटे ने सतलुज के आसपास वाले एरियाज में जो है वो कहलूर साम्राज्य, कहलूर स्टेट, कहलूर प्रिंसली स्टेट, कहलूर रियासत की स्थापना की। यहाँ तक कहानी सब लोगों को समझ आ गई। अब कहलूर का नाम कहलूर क्यों पड़ा, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा खबरें हैं, बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि बीरचंद जब अपनी कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी राजधानी कहाँ पे बनाऊँ, तो एक गुज्जर हुआ करता था, गुज्जर का नाम है कहलू नमक। कहलू नमक उसको एक ऐसी टेरिटरी बताता है, उसको एक ऐसा एरिया बताता है जहाँ पे बकरी ने शेर को मार दिया था, जहाँ पे बकरी ने ही अपने सींगों से जो है वो शेर का शिकार कर लिया था। तो उस स्पेसिफिक एरिया में ये एडवाइस करता है बीरचंद को कि अपनी कैपिटल जो है वो वहाँ पे स्थापित की जाए। तो ऐसा मानते हैं कि बीरचंद इसके बोलने पे एक जो आपका हिली एरिया है वहाँ पे अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश कर लेता है, जिसके कारण इसी कहलू के नाम पे शायद इस रियासत का नाम जो है वो कहलूर बनता है। इस कहानी को बहुत लोग नहीं मानते हैं, इसके पीछे एक काउंटर आर्गूमेंट है, उसको थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगेन, बीरचंद जो है वो सतलुज के आसपास वाले एरियाज में अपनी टेरिटरी का एस्टेब्लिशमेंट करता है जिसका नाम पड़ता है कहलूर। बीरचंद को किसी एक इंसान से पता लगता है, किसी व्यक्ति से पता चलता है कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे 24/7 मिल्क, दूध जो है वो बाहर निकलता रहता है। जब बीरचंद वहाँ पे जाता है और उस स्पेसिफिक एरिया को एक्सकवेट करता है तो वहाँ पे दुर्गा माता की एक मूर्ति निकलती है। यही दुर्गा माता की वो मूर्ति है जिसको लेके जो बीरचंद है वो एक हिल के ऊपर एक मंदिर बनाता है और ये मंदिर आज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, जो मंदिर है आपका माता नैना देवी जी का। क्लियर? तो जो नैना देवी जी का मंदिर बना है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल राजा है उसका नाम भी बीरचंद है। यही फाउंडर था कहलूर का, जो बाद में बिलासपुर नाम पड़ा जिसका, और यही इस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नैना देवी। और जिस धार के पास ही अपना किला बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है, उस धार को नाम दिया जाता है नैना धार। तो आप लोग देखते हो नैना देवी धार जो है, उसी धार के ऊपर आपको नैना देवी का टेंपल देखने को मिलता है। ये सारे के सारे नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तुम्हारा बीरचंद के द्वारा किया गया है। क्लियर? तो ये छोटी सी कहानी है। बीरचंद बहुत ही अच्छा राजा था, अच्छा शासक था। जब तक वो 33 ईयर्स तक यहाँ पे रहा तो उसने जो कहलूर का एरिया था उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया और जो आसपास के राजा थे
वो इस बीरचंद को या इस स्पेसिफिक राजा को ट्रिब्यूट पे किया करते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल था। जो इसको ट्रिब्यूट पे किया करते थे उनमें जुब्बड़ है, क्योंथड़ है, धामी है, कुथार है, बाघाट है, बज्जी है, महलोग है, मंगल है, बलसन है। ये वो रियासतें हैं, जो कुछ रियासतें आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेंगी आज के टाइम पे, और कुछ रियासतें जो है वो आप लोगों को सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर? तो बीरचंद जो है वो आपके फाउंडर हैं किसके? कहलूर के। बीरचंद के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा आता है, जो कि 8वें नंबर का राजा था सीक्वेंस में, उसका नाम था कहलचंद। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद ये जो कहलूर बना है ये कहलचंद के नाम पे पड़ा है। क्लियर? कहलचंद वो है जो कोट कहलूर किला बनाएगा इसी नाना नैना देवी धार के पास। क्लियर? तो शायद जो कोट कहलूर किला जब बनेगा तो वो कहलचंद के नाम पे पड़ेगा। अब यहाँ पे कहानी है कि लोग कहते हैं कि ये जो कहलूर नाम पड़ा है ये कहलू नमक गुज्जर के नाम पे पड़ा है, कई लोग कहते हैं कहलचंद के नाम पे पड़ा है। तो शायद ज़्यादा अच्छा आर्गुमेंट ये है कि राजा के नाम पे जो वो किसी रियासत का नाम पड़े। बट अगेन कहानियाँ हैं, हिमाचल में आपको ऐसी कहानियाँ बहुत देखने को मिलेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोट कहलूर का किला किसने बनाया, रेदर देन किसके नाम पे जो वो बिलासपुर बना है, ये आपको ऑप्शन देके एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद बिलासपुर का जो अगला इंपॉर्टेंट राजा है उसका नाम है कहानचंद। कहानचंद के तीन बेटे थे, एक का नाम था अजीत चंद, दूसरे का नाम था अजय चंद, तीसरे का नाम था तेग चंद। इन तीन बेटों के बारे में मेंशन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कहानचंद की डेथ हो जाती है तो इसके जो दूसरे नंबर का बेटा है वो एक एरिया जो आजकल नालागढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसको पहले हिंदर कहा जाता था, उस स्पेसिफिक एरिया को कैप्चर करके अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देता है, एक अपनी इंडिपेंडेंट रियासत बना देता है। तो आपको उसके बाद जो नालागढ़ रियासत देखने को मिलेगी उसके जो फाउंडर थे उसका नाम था अजय चंद, जो अपनी हिस्ट्री कहाँ से ट्रैक करते थे? कहलूर से ही ट्रैक किया करते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था अजीत चंद, फिर थे अजय चंद, और तीसरे नंबर पे नाम था तेग चंद, तेग चंद। क्लियर? तो अजीत चंद जो है वो आपके कहलूर के ही राजा रह गए, मतलब बिलासपुर के ही राजा रह गए, और जो उसके छोटे भाई थे अजय चंद ये बन गए हिंदुर के राजा या तुम्हारे नालागढ़ के राजा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से राजा और बिलासपुर, या कौन सा राजा था जिसके भाई ने जो है वो नालागढ़ की स्थापना की। ये बताओ नालागढ़ जो है वो किस रियासत के राजा ने जिस उसकी फाउंडेशन की थी या किसकी फॉर्मेशन की थी। क्लियर? उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अपना राजा आ जाता है, दैट इज योर राजा अभिसार चंद, जो जब राजा बनता है स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है एक तातर खान होता है, तातर खान अमीर जिसको कहते हैं। तातर खान जो है ये आपका बंगाल का राजा हुआ करता था। तातर खान बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, ये अलग अलग जगहों के ऊपर जाके मंदिरों को तोड़ा करता था, एनिमल्स की स्लॉटरिंग किया करता था। उसी तर्ज के ऊपर जब ये हिली एरियाज में आके, हिमाचल में आके एनिमल्स की स्लॉटरिंग कर रहा था, तो स्पेसिफिक टाइम पे अभिसार चंद के द्वारा उसको रोका जाता है, उसको हराया जाता है और उसको बाद में मार दिया जाता है। बाद में अभिसार चंद, उसका बेटा सुंदर चंद, जब वो मुस्लिम रूलर्स के साथ या मुस्लिम की सेना के साथ एक पीस एग्रीमेंट करने जाते हैं, तब उनको धोखे से उन दोनों को भी मार दिया जाता है। तो ये कहानी जो है वो अभिसार चंद की है, जो उस कहानी जो है वो आपकी बहुत ही एक दुखद नोट के ऊपर खत्म होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आ जाएगा, दैट इज योर मेघचंद। मेघचंद की अगर बात की जाए तो मेघचंद जो था वो बहुत ही ज्यादा हार्श रूलर था। मेघचंद बहुत ही क्रूअल राजा के रूप में देखने को मिला है, जिसके कारण लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। तो जब लोग उससे परेशान थे तो लोगों ने और उसके मंत्रियों ने मिलके उसको फोर्स कर दिया टेरिटरी को छोड़ के भागने के लिए, और वो जाके कुल्लू के राजा के पास जो है वो शरण ले लेता है। लेकिन उसकी जो राजा ऑफ दिल्ली था उस स्पेसिफिक टाइम पे, दिल्ली सल्तनत रूल किया करती थी दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ करता था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है वो मेघचंद की हेल्प करता है। इल्तुतमिश की हेल्प के बाद जो मेघचंद है वो अपने टेरिटरी, अपने एम्पायर को फिर से वापस हासिल कर लेता है। और यहाँ पे जो माल दरोल थे ये मेघचंद की बहुत अच्छी हेल्प करते हैं अपने किंगडम को वापस लेने के लिए। इसके बाद अगले राजा बनेंगे तुम्हारे राजा संपूर्ण चंद, जो कि थोड़े टाइम के बाद 1317 से लेकर 1355 तक राजा रहेंगे। अगर हम संपूर्ण चंद की बात करें तो संपूर्ण चंद की शादी हुई थी कांगड़ा के राजा की सिस्टर के साथ, कांगड़ा के राजा की बहन के साथ। तो कांगड़ा की टेरिटरी को ही, जैसे हम लोगों ने देखा इनिशियल स्टेजेस में जब वीरचंद आया तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कांगड़ा की टेरिटरी को ही बिलासपुर ने एक्वायर किया था। यही कारण है बाद में जब हम लोगों ने कांगड़ा की भी कहानी पढ़ी थी 2-3 लेक्चर पहले, तब हमने देखा था कैसे संसार चंद जो हैं वो बिलासपुर के पीछे पड़े हुए थे। संसार चंद का बिलासपुर के पीछे पड़ने की कहानी भी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे बिलासपुर की जो राजमाता थी उसने मुगलों का समर्थन कर दिया था, जिसके कारण संसार चंद उनसे चिढ़ा हुआ था और उसने बिलासपुर के ऊपर अटैक किया था। उस कहानी को थोड़ी देर में डिस्कस
करते हैं, लेकिन इनकी हिस्टोरिकल एनिमोसिटी भी है और उसके साथ साथ इनके हिस्टोरिकल फैमिली रिलेशंस भी हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि संपूर्ण चंद जो है उसकी शादी हुई थी कांगड़ा के राजा की बहन के साथ। तो कांगड़ा का राजा डिमांड करता है संपूर्ण चंद से कि जो टेरिटरीज उन्होंने जीती है वो टेरिटरी वापस कर दी जाए। संपूर्ण चंद तैयार हो जाता है टेरिटरीज को वापस करने के लिए, लेकिन उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था रतन चंद, जो बहुत पावरफुल हुआ करता था ऐसा माना जाता था, उसने एक शेर का शिकार किया है। रतन चंद इस चीज को करने से मना कर देता है, अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि रतन चंद के अकॉर्डिंगली जो पुरखों की जमीन है, जो उन्होंने लड़के जमीन ली है, उसको खैरात में वापिस नहीं करना चाहिए। अगर किसी में हिम्मत है तो वो उस जमीन को लड़के वापिस छीन ले जिस तरह से उन्होंने उस जमीन को कैप्चर किया था। संपूर्ण चंद और उसके भाई के बीच में यहाँ पे तनातनी होती है। रतन चंद जो है वो संपूर्ण चंद को मार देता है। नॉर्मली हम लोगों को हिली एरियाज में इस तरह की कहानी बहुत रेयर देखने को मिलती है जहाँ पे छोटा भाई बड़े भाई को मार देता है। तो बिलासपुर में इस तरह की कहानी हमें देखने को मिली जहाँ पे रतन चंद ने अपने भाई संपूर्ण चंद को मार दिया। तो उसके बाद अगला राजा बना तुम्हारा रतन चंद। रतन चंद की अगर बात की जाए तो रतन चंद बहुत पावरफुल था। जैसे मैंने अभी आपके साथ एक कहानी डिस्कस की कि इसने एक शेर को मार दिया था जिसके कारण लोगों में इसके लिए बहुत ज्यादा भय था। जो दिल्ली का राजा उस स्पेसिफिक टाइम पे तुगलक डायनेस्टी रूल किया करती थी, तो तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर था उसने इसको 1.25 लाख के आसपास जो था वो पैसा दिया था, खिल्लत दी थी, क्लियर। और रतन चंद का बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स के साथ। रतन चंद के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा आएगा दैट वॉज योर राजा ज्ञानचंद। राजा ज्ञानचंद की अगर बात की जाए, राजा ज्ञानचंद अकबर का कंटेम्प्रेरी हुआ करता था, इवन हुमायूं का भी कंटेम्प्रेरी था। राजा ज्ञानचंद की कहानी क्या है, जब राजा ज्ञानचंद बिलासपुर का राजा हुआ करता था उसी स्पेसिफिक टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी उन्होंने अपना एम्पायर जो था वो एस्टेब्लिश कर लिया हुआ था, अपना एम्पायर जो था वो एस्टेब्लिश कर लिया हुआ था पंजाब के प्लेन एरियाज के ऊपर। वहीं पे ही सिरहंद में एक मुस्लिम गवर्नर जो था वो रूल किया करता था। मुस्लिम गवर्नर और ज्ञानचंद के बीच में फाइट होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे की टेरिटरी को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, एक बचाने की कोशिश करता है, दूसरा एक्वायर करने की कोशिश करता है। नतीजतन ज्ञानचंद को बैटल में शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ज्ञानचंद जो है वो बैटल हार जाता है। जो गवर्नर है सिरहंद का वो उसको बंदी बना लेता है, लेकिन वो ज्ञानचंद का जो नॉलेज था, उसकी जो ब्रेवरी थी, उससे इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो अपनी बेटी की शादी जो है वो ज्ञानचंद के साथ करवा देता है। अब यहाँ पे कई लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञानचंद के सामने वो कंडीशन रखता है कि अपनी बेटी की शादी तब करवाएगा अगर वो इस्लाम को कबूल कर लेगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो ज्ञानचंद के सामने कंडीशन रखता है कि अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो मैं तेरी जान जो है उसको छोड़ दूंगा, तेरे को जान से नहीं मारूंगा। तो पर रियलिटी में आसान भाषा में होता क्या है कि ज्ञानचंद जो है वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है और ज्ञानचंद की डेथ वहीं पे ही होती है, सरहंद वाले एरिया में ही होती है, और इसको बरी किया जाता है, दफनाया जाता है कहां पे, कीरतपुर में। तो ये कहानी है तुम्हारी किसकी, राजा ज्ञानचंद की। राजा ज्ञानचंद की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ज्ञानचंद के थे तीन बेटे। पहले बेटे का नाम था विक्रमचंद, दूसरे बेटे का नाम था रामा, तीसरे बेटे का नाम था भीमा। ठीक है, विक्रमचंद, रामा एंड भीमा। जो दो बेटे थे रामा और भीमा, ये दोनों ने ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। सिर्फ एक ही रहा था जो कि हिंदू था, वो था विक्रमचंद। यही कारण था अगला जो राजा बना तुम्हारा वो बना राजा विक्रमचंद। विक्रमचंद जो है उसको, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो जो मुगल्स थे उनके डर से उसको सतलुज को क्रॉस करके जाना पड़ा और उसने अपना एक महल बनाया, अपनी जगह बनाई कहाँ पे, सुनहानी ने। और बाद में उसने मुस्लिम्स को हरा के अपना किंगडम वापस भी हासिल कर लिया था, जो कि उसके पिताजी के टाइम पे किसके पास चला गया था, तुम्हारा सरहंद के जो मुस्लिम गवर्नर था उसके पास चला गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुगल्स जो हैं वो अटैक करते हैं, विक्रमचंद उस स्पेसिफिक टाइम पे राजा था, और मुगल्स जो हैं वो विक्रमचंद को हरा के कहलूर को मुगल्स की ट्रिब्यूटरी बना लेते हैं इन 1570 AD। ये वही वाला टाइम है जब अकबर जो था वो मुगल रूलर हुआ करता था, अकबर जो था वो राज किया करता था दिल्ली के ऊपर, क्लियर। तो यहां तक विक्रमचंद की कहानी है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सामने या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। देखिए, अब बहुत कम
इन्फॉर्मेशन है राजाओं के बारे में, लेकिन इम्पोर्टेंट है, कुछ भी तुमसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए जरा कि जब जो कहलूर थी वो मुगल्स की ट्रिब्यूटरी बनी तो स्पेसिफिक टाइम पे राजा कौन थे, कौन से साल में बने, जो बिक्रमचंद था वो कहाँ गया अपनी जगह को कोट कहलूर से छोड़ के, वो कहाँ चला गया, सुनहानी चला गया, क्लियर। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा आया जिसका नाम था राजा कल्याणचंद, राजा कल्याणचंद की अगर हम बात करें तो ये 30th राजा था कहलूर का, पहला राजा आप सब लोगों को पता है कि कौन है। इसकी शादी होती है सुकेत के राजा के बेटे बेटी के साथ, तो सुकेत का राजा उस स्पेसिफिक टाइम पे था श्यामसेन, पर पता नहीं किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और कल्याणचंद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, इसका जो फादर इन लॉ है राजा श्यामसेन ये इसको मार देता है। जब इसके या जब जो कल्याणचंद है इसकी डेथ होती है तो जो राजा श्यामसेन की बेटी जिसकी शादी राजा कल्याणचंद के साथ हुई थी वो सती हो जाती है और वो अपनी जान जो है वो कल्याण के साथ ही दे देती है, क्लियर। कल्याणचंद की एक खासियत है जो आप लोगों को कीरतपुर देखने को मिलता है, कल्याणपुर देखने को मिलता है, यहाँ पे जो जमीन दी गई है ये बिलासपुर के राजा के द्वारा ही दी गई है। तो याद रखेंगे कल्याणचंद वो राजा था जिसने गुरु हर गोविंद सिंह जी को कीरतपुर और कल्याणपुर का जमीन दिया था, जिसके बाद आप सब लोगों को पता है कीरतपुर में स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ही बड़ा एक गुरुद्वारा है और काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये सिख्स के लिए। ये जमीन जो दी गई थी ये दी गई थी राजा कल्याणचंद के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका राजा आएगा, दैट इज योर राजा दीपचंद। राजा दीपचंद की अगर हम बात करें तो राजा दीपचंद जो है वो 32nd नंबर का राजा था। बेसिकली राजा कल्याणचंद के बाद सुल्तानचंद राजा बना था और सुल्तानचंद जो 31st राजा था, सुल्तानचंद के बाद जो है वो दीपचंद राजा बनेगा। दीपचंद जो है वो मुगल एम्परर औरंगजेब का बहुत ही अच्छा दोस्त था और जब भी वो एक्सपीडिशंस पे जाया करता था उसको हमेशा असिस्ट करता था, जिसके बदले औरंगजेब ने उसको 5 लाख रुपए की खिल्लत दी थी। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, खिल्लत का मतलब होता था ऑनर, वो पैसों की फॉर्म में हो सकता था, गुड्स की फॉर्म में हो सकता था, शॉल की फॉर्म में हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, वो कुछ भी हो सकता है, क्लियर। और इसके साथ साथ औरंगजेब से उसको 22 स्टेट्स इंक्लूडिंग कुल्लू कांगड़ा मंडी सुकेत और चंबा वहां से सनद कलेक्ट करने का भी पावर था। सनद नो डाउट बाद में जो है वो तुम्हारा किसके द्वारा दिया गया, ब्रिटिश के द्वारा दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है ड्यूरिंग मुगल पीरियड, जहाँ पे औरंगजेब को कुछ पैसा इन स्टेट्स के द्वारा देना पड़ता था। तो रियलिटी में पूरा जो कंट्रोल था वो दीपचंद के पास हुआ करता था। दीपचंद वो है जो सुनहानी, अब सुनहानी कैपिटल हो चुकी थी शिफ्ट, सुनहानी से जो है वो ऋषि व्यास की गुफा की तरफ जो है, ऋषि व्यास की गुफा की तरफ वाला जो एरिया है वहां पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है। तो ऋषि व्यास का जो जगह है, गुफा जो जहां हुआ करती थी, उसका नाम होता है, उसका नाम पड़ता है दैट इज योर व्यासपुर। व्यासपुर पड़ा ना कि व्यास नदी के ऊपर, ये पड़ा ऋषि व्यास के ऊपर, क्योंकि ऋषि व्यास की जहाँ कुटिया हुआ करती थी, गुफा थी, वहां पे सुनहानी से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेता है क्योंकि वो एक सेक्रेट जगह थी, तो उसका नाम पड़ा व्यासपुर। यही व्यासपुर जो है वो बाद में बन गया बिलासपुर। तो दीपचंद के टाइम पे जो है वो बिलासपुर की फाउंडेशन की गई थी। तो जो आज आपको बिलासपुर देखने को मिलता है उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है, वो आप लोगों को किसको देना पड़ेगा, राजा दीपचंद को। राजा दीपचंद ने जो है वो नाहर सिंह टेम्पल बनाया हुआ है कहाँ पे, धौलरा, क्लियर, डन। तो एक छोटी सी कहानी दीपचंद की ये भी है कि दीपचंद जब घर वापस आ रहा था तो जो राजा होता था कांगड़ा का, राजा ऑफ कांगड़ा के द्वारा उसको पॉइजन दे दिया जाता है नदौड़ में और उसकी वहीं पे ही देहांत हो जाता है, उसका वहीं पे ही मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अगेन इसका कांगड़ा जो है, अब देखो कैसे कांगड़ा और बिलासपुर के रिलेशन, इनका रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं रहा इनिशियल स्टेजेस पे। शायद जो लोग आए थे चंदेरी से, हरिहरा और उसके बेटे, वो यहाँ पे राजा राज राज करने नहीं आए थे, लेकिन कांगड़ा के राजा की प्रोवोकेशन के बाद उन्होंने यहाँ पे एक रियासत बनाई, जिस रियासत को आप बिलासपुर के रूप में देखने को मिलते हैं, या आपको बिलासपुर के रूप में वो रियासत देखने को मिलती है। बिलासपुर नाम कहाँ से आया तुम्हारा, दीपचंद के नाम से। उसके बाद जो है वो अगला राजा आ जाएगा, दैट इज योर भीमचंद। भीमचंद जब राजा बनेगा तो उस स्पेसिफिक टाइम पे उसकी उम्र थी सिर्फ 14 साल, ओनली 14 ईयर्स, क्लियर। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि भीमचंद जब बड़ा होता है तो ये राजा ऑफ बुशर, मंडी, कोटखाई, हर एक राजा को जो है हरा के कहलूर के कंट्रोल में ले लेता है। और अगेन अभी भी जो दिल्ली है वहां पे किसका रूल है तुम्हारा, औरंगजेब का रूल है। तो जो
इसके पिताजी के मरने के बाद इन्होंने ट्रिब्यूट करना जो ट्रिब्यूट पे करना बंद कर दिया था, अब भीमचंद इनको फिर से हरा के फिर से फोर्स कर देता है ट्रिब्यूट पे करने के लिए। इसने मुरारी देवी के टेम्पल को बनाया है जो कि इस स्पेसिफिक टाइम पे आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ राजा ऑफ कांगड़ा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलके इसने मुगल गवर्नर आलिफ खान को भी हराया है। पर बाद में क्या हुआ था कि भीमचंद और जो गुरु गोविंद सिंह थे इनके बीच में जो रिलेशन थे वो थोड़े से खराब हो गए थे, जिसके कारण ये सब लोग याद रखोगे, जिसके कारण एक बैटल होती है बैटल ऑफ भनगानी इन 1686 AD। जब बैटल ऑफ बनगानी इन 1686 AD में होती है तो स्पेसिफिक बैटल में जो भीमचंद है उसको बहुत बुरी तरह से जो है वो गुरु गोविंद सिंह की तरह हराया जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को अपनी गद्दी सौंप के पूरे की पूरी जिंदगी जो है वो एक फकीर की तरह जीता है और 1712 AD में उसकी देहांत हो जाती है, उसका मृत्यु हो जाता है। क्लियर? तो भीमचंद की दोनों कहानी है। भीमचंद ने एक टाइम पे ग्लोरी भी देखी है और उसके बाद उसने अपना डाउनफॉल भी देखा है। एक साइड पे उसने पूरे के पूरे जो आसपास की टेरिटरीज थी, बड़े राजे हुआ करते थे, बुशहर है, मंडी है, कोटकाई है, उनको भी हराया था। एक साइड पे उसने जो आलिफ खान था उसको भी हराया था अलॉन्ग विद राजा ऑफ कांगड़ा एंड गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन बाद में जब वो एक बैटल में हारता है, ये बैटल आप सब लोग याद रखोगे, दैट इज योर बैटल ऑफ बनगानी इन 1686 AD, उसके बाद वो अपनी राज पाट को छोड़ के अपने बेटे के हाथ में सत्ता दे के एक फकीर की जिंदगी जीता है, दैट इज योर राजा भीमचंद। उसके बाद जो अगला राजा है दैट इज योर राजा अजमेर चंद। राजा अजमेर चंद की अगर हम बात करें तो राजा अजमेर चंद जो है वो बिलासपुर का 34th किंग था। क्लियर? 34th राजा था। इसकी जो शादी है वो गढ़वाल का जो राजा हुआ करता था राजा फतेह शाह, उसकी डाउट उसकी जो बेटी है उसके साथ होती है। क्लियर? अजमेर शाह की एक खासियत है, इसने अजमेरगढ़ का किला जो है वो बनाया हुआ है जो कि तुम्हारा हिंदर की बॉर्डर के साथ जो है वो आपका मेल खाता है। मतलब जहाँ पे हिंदर जहाँ पे बिलासपुर की बाउंड्री खत्म होती थी और नालागढ़ या हिंदर की बाउंड्री शुरू होती थी, वहाँ पे अजमेरगढ़ का किला जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो अजमेरगढ़ का किला है ये किसके द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया है तुम्हारा अजमेर चंद के द्वारा। क्लियर? इसके बाद अगला राजा आ जाएगा, दैट इज योर राजा देवी चंद। हम लोगों को याद होगा या आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने घमंड चंद के बारे में डिस्कस किया था, घमंड चंद ऑफ कांगड़ा। क्लियर? तो घमंड चंद जो था उसने अपने पूरे के पूरा जो कांगड़ा का एम्पायर था उसको फिर से रिजुबिनेट कर दिया था, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था अहमद शाह दुरानी के टाइम पे। क्लियर? तो उसी टाइम पे जब घमंड चंद जो है वो जसवान के राजा के ऊपर चढ़ाई करता है तो जो राजा देवी चंद है वो उसकी हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है। इसके साथ साथ राजा देवी चंद जो है एक किला बनाता है, टैंक बनाता है, वाटर टैंक बनाता है, महल मोरिया इन कांगड़ा। याद होगा आपको महल मोरिया एक वो जगह है जहाँ पे कांगड़ा का राजा संसार चंद और बाद में गुरखास के बीच की जो है वो फाइट होगी। क्लियर? जो राजा देवी चंद है ये आपकी कटोच प्रिंसेस जिसका नाम था नगर देवी, उसके साथ जो है उसका शादी होता है। क्लियर? डन। तो जो देवी चंद है इसकी काफी ज्यादा रेलेवेंट है, काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है। लेकिन साथ में देवी चंद का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसने जो नियर बाई स्टेट्स थी वहां से पैसे को लूटना जो है वो शुरू कर दिया था। क्लियर? डन। और आसपास के जो लोग थे इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजा शायद बिलासपुर की हिस्ट्री का, उसका नाम है राजा महानचंद। राजा महानचंद की अगर हम बात करें तो जब राजा महानचंद राजा बनता है उस स्पेसिफिक टाइम पे वो एक माइनर था और उसकी मदर जिसको राजमाता कहा जाता था और रामू वजीर वो पूरे के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे। क्लियर? कहलूर मतलब बिलासपुर और कांगड़ा के बीच में जो था वो बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसके कारण जो राजमाता है वो, याद है आप लोगों को कांगड़ा का किला उस स्पेसिफिक टाइम पे सैफ अली खान के पास होता था। सैफ अली खान वॉज दी गवर्नर ऑफ मुगल्स, लास्ट गवर्नर ऑफ मुगल, जिसको बाद में रणजीत सिंह के द्वारा हराया जाता है और उस कैप्चर या उस स्पेसिफिक फोर्ट को जो है वो कैप्चर किया जाता है। तो महान चंद की जो माता है वो, महानचंद की माता जो है वो सपोर्ट कर देती है मुगल्स को, क्योंकि उसकी उनकी रिलेशन जो थे वो कांगड़ा के साथ अच्छे नहीं थे। तो संसार चंद जो कि ऑलरेडी पावरफुल था वो उसको साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। संसार चंद को जैसे ही मौका मिलता है संसार चंद जो है वो नियर बाई एरियाज के साथ बिलासपुर के एरियाज के ऊपर भी अटैक कर देता है। क्लियर? जब वो बिलासपुर के एरियाज के ऊपर अटैक करता है तो जो राजमाता थी बिलासपुर की वो
धर्म प्रकाश को कॉल करती है, धर्म प्रकाश को बुलाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक बार यूपीएससी, एक बार जो आपका एचपीएस प्रीलिम्स, उसमें सवाल पूछा जा चुका है, जो धर्म प्रकाश है, ध्यान रखना, जो ये इस तरह का नाम आएगा जहाँ पे सरनेम प्रकाश होगा, ये सिरमौर के राजाओं के साथ लगा करता था। तो राजा धर्म प्रकाश को बुलाया जाएगा, क्लियर? और धर्म प्रकाश को जब बुलाया जाएगा तो उसको 50,000 रुपये का एश्योरेंस दिया जाएगा, गेव एश्योरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹50,000 की, 50,000 रुपया जो है उसको पे करेंगे, बस तू उसको हेल्प कर दे। धर्म प्रकाश की कहानी है, कहानी क्या है कि जो महाराजा संसार चंद की, जो महाराजा संसार चंद की बहन थी, जो महाराजा संसार चंद की बहन थी, उसकी शादी हुई थी धर्म प्रकाश के साथ। और महाराजा संसार चंद की बहन जो थी वो हमेशा अपने भाई की बहुत बड़ाइयाँ किया करती थी कि मेरे भाई के पास ये है, मेरे भाई के पास वो है, जिसके कारण धर्म प्रकाश जो था वो थोड़ा चिढ़ता था संसार चंद से। तो जब राजमाता और बिलासपुर उसको इनवाइट करती है अगेंस्ट महाराजा संसार चंद, तो वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। लॉजिकली उसको लड़ना नहीं चाहिए था, बस अपनी बीवी को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, वो आपका महाराजा संसार चंद से भिड़ जाता है। महाराजा संसार चंद और धर्म प्रकाश के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है, क्योंकि ये मानते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन है, रिश्तेदारी है, तो इसके लिए मैक्सिमम लोगों को या काफ़ी लोगों को क्यों मारना है, तो बेटर है कि दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो। उस लड़ाई में जो महाराजा संसार चंद है वो धर्म प्रकाश को मार देता है, और इस तरह से धर्म प्रकाश की कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। धर्म प्रकाश हार गया, महान चंद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पावरफुल नहीं था, कहलूर के काफ़ी एरियाज को जो हमारे महाराजा संसार चंद थे उनके द्वारा एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, और वो बिलासपुर के जगह के ऊपर जो है वो छतीपुर का किला बनाते हैं ऑन छंजर धार। क्लियर? छंजर धार के ऊपर जो है वो तुम्हारा छतीपुर का किला जो है वो बनाया जाता है। अब महान चंद जो है वो देखता है कि वो महाराजा संसार चंद के जो पावर्स हैं उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, और इवन के जो नियर बाई एरियाज की बाकी रियासतें थी वो भी महाराजा संसार चंद से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। यहाँ पे महान चंद जो है वो गोरखास को बुलाता है, जिन्होंने अपर हिली एरियाज में अपनी जो सॉबरिनिटी थी, अपनी जो पावर थी, उसको प्रूव किया था। जब वो उनको इनवाइट करता है, अमर सिंह थापा को इनवाइट करता है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे पहली बैटल में महाराजा संसार चंद को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन महाराजा संसार चंद जो है वो जब रणजीत सिंह की हेल्प लेते हैं, जब महाराजा रणजीत सिंह, MRS का मतलब यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह, जब वो महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प लेते हैं तब गोरखास को वहाँ से वापस हटना पड़ता है। इसकी कहानी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इस तरह से जो तुम्हारे, अब कहानी सिंपल सी क्या होगी कि गुरखास वापिस जा चुके हैं, बिलासपुर को संभालने वाला कोई है नहीं, सिक्स इस टाइम का फायदा उठाते हैं और बिलासपुर की काफी टेरिटरी जो है उसको कब्जे में ले लेते हैं। इसके बदले महान चंद इस चीज पे एग्री हो जाता है कि वो सिख को कुछ पैसा जो है वो नजराने के रूप में, ट्रिब्यूट के रूप में जो है वो पे करेगा। बट जब तुम्हारा एंग्लो सिख वॉर होता है, तो स्पेसिफिक टाइम पे जब सिख की हार हो जाती है, तो सिख को जो है वो ये स्पेसिफिक एरिया जो है वो छोड़ना पड़ता है। और इवन उसके बाद जब एंग्लो गोरखा वॉर होती है 1814 में, अब एक चीज यहाँ पे समझिए, गोरखाओं को महान चंद ने बुलाया था अगेंस्ट महाराजा संसार चंद, ये अलग बात है कि वो हार गए, सिखों ने उनको हरा दिया और गोरखास को वापिस जाना पड़ा। क्लियर? जब एंग्लो गोरखा वॉर हुआ तो महान चंद की क्योंकि हेल्प की थी गोरखास ने, तो यहाँ पे जो है वो महान चंद पहले गोरखास की हेल्प करेगा, वो अमर सिंह थापा की हेल्प करेगा, अगेंस्ट ब्रिटिश जाएगा, पर बाद में उसको रियलाइज हो जाएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ जाने का कोई फायदा नहीं है, बेटर ये है कि अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश के साथ, जो इंग्लिश हैं उनके साथ जो है वो दोस्ती की जाए। तो कुछ टाइम के बाद वो अपनी साइड चेंज कर लेगा, ब्रिटिश के साथ करेगा दोस्ती। जब वो ब्रिटिश के साथ दोस्ती करेगा तो ब्रिटिश जो है वो उसके साथ सनद साइन करेंगे। सबसे पहले जो सनद के ऊपर साइन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तुम्हारा राजा महान चंद के बारे में, या राजा महान चंद के द्वारा सनद के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके साथ जो मूरक्राफ्ट हैं उन्होंने भी बिलासपुर विजिट किया था इन 1820 AD। तो महान चंद की कहानी जो है वो बहुत महान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। इसके साथ नेक्स्ट राजा आ जाएंगे, दैट इज योर राजा खड़कचंद। राजा खड़कचंद की कहानी की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता था कि राजा खड़कचंद जो है वो बिलासपुर के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, और अगर उनके पिताजी जो हैं वो खड़क चंद को 12 साल से पहले देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, बहुत अनहोनी हो सकती है। तो उनके पिता ने जो है वो खड़क चंद को 10 साल के बाद ही देख लिया था, मतलब 2 साल वेट नहीं किया, 10 साल के बाद ही देख लिया, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि महान चंद जो है उसकी डेथ हो गई थी। क्लियर?
महानचंद जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जर्मन ट्रेवलर्स, यहाँ पे नाम मिसिंग है मैं बोल देता हूँ, जब तुम्हारा खड़गचंद राजा था तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जर्मन ट्रेवलर्स आए थे जिनका नाम था वेरन हीगल, WARRENHEGEL, वेरन हीगल एंड GTEIVIGNE, टीवी ने। तो जब ये राजा थे तो स्पेसिफिक टाइम पे दो तुम्हारे जो हैं वो जर्मन ट्रेवलर्स आए थे, क्लियर? ये लाइन अलग है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो स्मॉल पॉक्स के कारण हुई थी, क्लियर? इसकी जो मृत्यु थी वो किसके कारण हुई थी? स्मॉल पॉक्स के कारण हुई थी। खरगचंद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा राजा जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता है, क्लियर? उसके बाद जो है वो अगला राजा बनेगा तुम्हारा जगत सिंह, क्लियर? जगत चंद, जगत चंद जो है वो खड़गचंद का वजीर होता है। अब उसको राजा इसलिए बनाया जाता है, उसको राजा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो खड़गचंद है उसका कोई भी बेटा, कोई भी संतान नहीं होती है, जिसके कारण जगत चंद जो है उसको राजा बनाया जाता है। जो खड़गचंद की रानी थी वो कोशिश तो करती है रिवोल्ट करने की, लेकिन वो रिवोल्ट जो है वो आपका फेल हो जाता है। जब जगत चंद चंद राजा था तो उस स्पेसिफिक टाइम पे, जब जगत चंद राजा था तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो एक फ्रेंच ट्रेवलर भी आया हुआ था जिसका नाम था विग्ने, जो कि बिलासपुर से होता होता गया था। इवन ये जो है वो खड़गचंद से भी मिला था और ये जगत चंद से भी मिला था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाएगी, बट हाँ ये ध्यान रखना क्योंकि हिमाचल की हिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ट्रेवलर्स, जर्मन ट्रेवलर्स आ जाएगा तुम्हारा वॉरेन हेगरल GTV ने, उसके साथ तुम्हारा आ जाएगा विग्ने जो कि फ्रेंच ट्रेवलर है, क्लियर है? ये खड़गचंद के साथ भी मिले हैं और ये जगतचंद के टाइम पे भी थे, क्लियर? वैसे यहाँ पे कहानी है कि जगतचंद जो है वो राजा तभी बनेगा जब खड़गचंद की कहानी होगी। कई जगहों के ऊपर जो है वो इसको जो है वो माना गया है कि जगतचंद के टाइम पे था, कई जगह माना गया खड़गचंद। तुम इन दोनों को साइमल्टेनियस टाइम पे याद रख लो, क्लियर? इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा अगला राजा, दैट इज योर राजा हीराचंद। राजा हीराचंद की अगर हम बात की जाए तो राजा हीराचंद को जो है वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी जो है वो कंसीडर की जाती है, क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट कहानी क्या है, लॉर्ड मेयो जो कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे हिंदुस्तान के, वो विजिट करते हैं बिलासपुर इन 1871, और हीराचंद जो है वो 1877 का जो दरबार लगता है वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे इसको मेडल मिलता है। और ये बिलासपुर में एक नया अपना किला जो है वो बनाता है, लेकिन बाद में जो है वो कुछ टाइम के बाद इसका भी देहांत हो जाता है। इसके बाद अगला राजा है, दैट इज योर राजा अमरचंद। राजा अमरचंद जब राजा बनता है तो उस स्पेसिफिक टाइम पे लोगों के द्वारा जो है वो जुग्गा मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी जाती है। जुग्गा मूवमेंट जो है वो बेसिकली राजा की जो नीतियाँ थी, राजा की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज थी, उनके खिलाफ शुरू हुई नीतियाँ थी। इस जुग्गा मूवमेंट में जो बेगार प्रथा हुआ करती थी उसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जिसमें फोर्स लेवर जिसको हम लोग कहते हैं। अमरचंद की पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि स्पेसिफिक टाइम पे लोगों के अंदर एजिटेशन हुआ था, जुग्गा मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। पॉजिटिव ये है कि जो अमरचंद है उसको ऐसा माना जाता है कि जो पेंटर्स थे कांगड़ा एंड शिमला हिल्स के, उनको बहुत ज़्यादा ये एक तरह से प्रमोट किया करता था इसका, इवन कि ये खुद भी बहुत अच्छा पेंटर हुआ करता था। अमरचंद ने कुछ टाइम के बाद जो है वो बेगार जो है उसको एबॉलिश कर दिया था और एक 25% जो है वो टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसको बथंगा के नाम से जाना जाता है। ये वो राजा है जिसके द्वारा जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में अकाउंट्स की मेंटेनेंस की शुरुआत हुई। ये वो राजा है जिसके द्वारा हॉस्पिटल्स बनाए गए। तो अमरचंद के दोनों लिबरल फेज भी हमें देखने को मिलता है और अरब अमरचंद जो है इसका हम लोगों को जो है वो लोगों के अंदर इसके खिलाफ जो भावना है वो भी देखने को मिलती है, क्लियर? इसके बाद दो इंपॉर्टेंट राजा हैं, लास्ट इज योर, सेकेंड लास्ट इज योर राजा बिजाई चंद, और उसके बाद तुम्हारे हैं राजा अनंत चंद। अगर बिजाई चंद की हम लोग बात करें तो बिजाई चंद की जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है वो ये है कि इनके द्वारा जो है वो रन महल बनाया गया है बनारस के, ठीक है? इनको इनके द्वारा जो है वो रन महल बनाया गया, इनके द्वारा जो है वो सॉरी यहाँ पे पार्डन। उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा तुम्हारा है राजा बिजाई चंद। राजा बिजाई चंद में सबसे इंपॉर्टेंट है रंग महल। राजा बिजाई चंद के द्वारा जो है वो रंग महल बनाया गया, क्लियर, बनारस के अंदर। और इसके साथ ही राजा बिजाई चंद के बाद उसका जो अगला बेटा राजा बनता है जिसका नाम है
राजा अनंतचंद सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से एक कंसीडर किया जाता है। बिलासपुर का राजा अनंतचंद के बारे में हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि कैसे राजा अनंतचंद पहले आपके इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर थे, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी। क्लियर? राजा अनंतचंद कैसे मना करते थे पहले कि हिमाचल के अंदर जो है वो बिलासपुर को इंटीग्रेट नहीं करना है, बाद में उसको इंटीग्रेट किया गया, ये डिफरेंट कहानी है। राजा अनंतचंद की अगर कहानी की बात की जाए तो राजा अनंतचंद की जो शुरुआत है या उस उनकी जो शादी है वो होती है प्रिंसेस उमावती ऑफ जुब्बल, और जब वो बारात लेके जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात गांधी जी के साथ भी होती है। तो ये भी पता होना चाहिए, गांधी जी के साथ 1931 में अनंतचंद की मुलाकात होती है। जब बिलासपुर चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है तो उसके वो चीफ कमिश्नर जो है वो अनंतचंद को बनाया जाता है। क्लियर? और बाद में जो है वो बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है। क्लियर? बाद में जो है वो चीफ कमिश्नर का जो पूरा का पूरा जो पावर थी वो चंद छाबड़ों को दी जाती है। क्लियर? और बाद में जो है वो जब हिमाचल के साथ बिलासपुर का मर्जिंग हो जाता है तब मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है वो क्या बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाते हैं। और ये कहानी जो है वो आप लोगों को पता ही है। उसके अलावा उसके बाद की 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है, बिलासपुर का मर्जर हो जाता है किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के अंदर साथ। क्लियर? डन? सॉरी, चंद छाबड़ा आए, मेजर आपके हिम्मत सिंह आए, और उसके बाद जो है वो तुम्हारा बिलासपुर का मर्जर हो गया किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो कहानियां हैं वो किसके साथ रिलेटेड हैं तुम्हारी, ये हैं बिलासपुर के इम्पोर्टेंट राजा और बिलासपुर के इम्पोर्टेंट किंगडम्स। जो कहानियां हैं वो मैंने आपको सुना दी। जो इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल है वो आपको जो हमारा जो वीडियो है इसी के नीचे पीडीएफ फाइल्स भी देखने को मिलेंगी, जहां से आप उनको डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी स्टेट्स की हिस्ट्री के साथ, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।